Hi friends, welcome back to my another video. ये मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, वो मुझे अकेला क्यों हाय फ्रेंड्स बोल रहा है, वो भी बोलना चाहता है. बोल दीजिए बेटा एक बार. सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक दूसरा मुखबांग लेके आने वाला हूँ. वो भी एक फिर से मैं एक नागा डिश लेके आ रहा हूँ. आज वो मैं बनाने वाला हूँ. आज मैं बनाने वाला हूँ स्मोक पोर्क विथ अकोनी. बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होगा फ्रेंड्स. सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मीट स्मोक करके रखा हुआ था, और इसमें ऐड करने वाला हूँ ये देखिए दो टोमेटो, और ये छोटा छोटा जो चिल्लीस होता है, ये मेरा बहुत पसंदीदा एक चिल्ली है, बहुत पसंदीदा हूँ. और ये देखिए, इसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला, इसमें अकुनी है फ्रेंड्स. सो आज का डिश बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही टेस्टी होने वाला है. हाय फ्रेंड्स, खाना रेडी. ये देखिए स्मोक पोर्क, ये 2 फीट का लाई पत्ता बॉयल, 2 फीट लंबा है उसका. ये है उसका ग्रेवी, अकुनी का और मीट का ग्रेवी है. एंड दिस इज अनदर यम्मी फिश का इंटेस्टाइन है, ये फ्राई करके चटनी बनाया. फ्रेंड्स लेट्स बिगिन. अकुनी बहुत गर्म है. अकुनी का सब्जी कुछ दिनों से खाने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग का एरिया में ये सब इतना अवेलेबल नहीं है, और मैं जब भी मिलता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ. बाप रे बहुत गर्म है, बहुत टेम्पटेड है भाई इसका स्मेल. सर्दी है, मेरा थोड़ा सर्दी है, लेकिन फिर भी इसका जो स्मेल है बहुत टेम्पटेड है. लेट्स बिगिन. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, डिलीशियस. बढ़िया, बहुत झाल भी है.
ये जो सब्जी है ना कारी, इसका साथ ये जो बॉयल है लाई पत्ता का बॉयल, इसका कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार है पूरा। फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था आज का, जो करी स्मोक पोर्क, पोर्क को बॉईल करके सुखाया, 2 दिन सुखाया, उसके बाद अखोनी का साथ बनाया, माइंड ब्लोइंग। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई वीडियो चैनल, बाय बाय।